हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुमित टॉक्स में। और आज हम बात करेंगे पोस्टिंग के ऊपर। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन सब में सेम ही होता है प्रोसेस, और हर एक पोस्ट का सिमिलर प्रोसेस है। और लेकिन आज स्पेशली हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार की। तो उसमें क्या आपको जो प्रेफरेंस भरने का आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में मौका मिलता है, तो वो हम कैसे फिल करें। तो सबसे पहले तो कि आपको जो हवलदार पोस्ट है उसके लिए आपको प्रेफरेंस, डिपार्टमेंटल प्रेफरेंस भी आपको उसके अंदर आप भर सकते हैं। जैसे उसमें सीबीआईसी, सीबीएन, उसमें ऑप्शन है कि आपको किस डिपार्टमेंट की आपको प्रायोरिटी रखनी है ऊपर, तो उस बिहाफ पे आप प्रेफरेंस अपनी रख सकते हैं। और जो एमटीएस है उसके अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ आपको स्टेट का प्रेफरेंस देना है कि आपको किस स्टेट के अंदर आपको पोस्टिंग चाहिए। तो जो हवलदार है तो उसके अंदर आप देखेंगे उसमें आपको डिपार्टमेंट दिए गए हैं, लेकिन एमटीएस में सिर्फ स्टेट दिया हुआ है। तो जब आप आपका प्रेफरेंस भरेंगे स्टेट प्रेफरेंस, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अगर आपको होम टाउन चाहिए तो आपको फर्स्ट कॉलम में आपको आपका होम स्टेट वो आपको भरना है, ताकि आपके चांसेस रहे कि आपको आपका होम टाउन या उसके आसपास मिल जाए। फिर आप उसके बाद आपके आसपास का स्टेट आप भर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको फिर आपको थर्ड भरना है, फिर आप उसके बाद भर सकते हैं जो आपका जोन आता है। क्योंकि आसपास अब जैसे नॉर्थ जोन के अंदर आता है कि जो नॉर्थ जोन है उसके अंदर आएगा राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड, पंजाब, तो ये चार आते हैं। तो अगर आपको नॉर्थ जोन में आपको रहना है, तो आप अब जैसे अगर कि मैं राजस्थान का हूँ, तो मैं दिल्ली, उत्तराखंड भी उसमें भर सकता हूँ उसके आगे की प्रेफरेंस में। लेकिन अगर आपकी सिर्फ प्रायोरिटी की आपको सिर्फ जॉब चाहिए, चाहे से वो देश के किसी भी कोने में हो, तो आपको जो लास्ट में है आपको ऑल इंडिया वाला जो प्रेफरेंस है वो भी आपको फिल करना है, ताकि आपकी कहीं ना कहीं जहाँ भी आपकी कट ऑफ क्लियर होगी वहाँ आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। तो ये है। तो अगर आपकी सिर्फ प्रायोरिटी है कि आपको सिर्फ आपका होम टाउन चाहिए, होम स्टेट चाहिए, तो आप सिर्फ एक भी आप भर सकते हैं, और आपको बाकी सब के अंदर एक्स एक्स लिखना, ताकि वो सारा हो जाए। अगर आपको सिर्फ आपका होम स्टेट मिलता है तो ही आपको जॉब मिलेगी, वरना आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप क्लियर नहीं होंगे। और अगर आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आप जॉब करने के लिए अगर आप रेडी हो, तो आपको सारे भरने हैं। और आपको अगर आप कुछ भी अगर आप नहीं भरना चाहते कि मुझे कहीं भी मिलेगी चलेगा, तो आप ऑल इंडिया भी भर सकते हैं। तो ये उसमें ऑप्शन आता है ऑल इंडिया का। और हवलदार की पोस्ट के लिए आपको डिपार्टमेंट भी चूज़ करने का मौका मिलता है, तो वो आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि आपका ये डिपेंड किस पे करता है कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। तो सबसे पहले डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस पे और आपके नंबर के ऊपर। अब जैसे कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया कि मुझे दिल्ली की मिल जाएगी क्या पोस्टिंग, तो एक तो डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मान लीजिए आपने दिल्ली भरा है, लेकिन अगर आपकी कट ऑफ वहाँ से क्लियर नहीं हुई है, तो आपको जो आपको सेकंड प्रेफरेंस है आपको उसके ऊपर मौका मिलेगा। तो जहाँ भी आपका फिर वो प्रेफरेंस चलती जाएगी, जहाँ की कट ऑफ क्लियर होगी वो आपको स्टेट मिलेगा। और अगर आपका जैसे कहीं आपने ऑल इंडिया भरा है, तो आपका मतलब कहीं दूसरी जगह पे कहीं भी हुआ, मतलब नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, जहाँ भी होगा, तो आपको वहाँ पोस्टिंग मिलेगी। तो आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, और ये आपके नंबर पे डिपेंड करता है। और अब जैसे एक स्टेट में बहुत सारे ऑफिस होते हैं, तब आपके नंबर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अब जैसे अगर आपके नंबर अच्छे हैं, तो आपको अच्छा डिपार्टमेंट यानी जिसके अंदर प्रमोशन अच्छे हैं वहाँ पे, और उसका ऑफिस भी अच्छा, यानी कि उसका जो डिपार्टमेंट होगा वो मतलब हायर होगा, जैसे डिविजनल, जोनल, सर्कल, ऐसे जो हायर होता है उसके अंदर आपको सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, और भी उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, थोड़ा उसमें काम का प्रेशर भी थोड़े हाई लेवल का होता है। और अगर आप छोटे ऑफिस में होंगे, तो आपको उसके अंदर सैटरडे का ऑफ नहीं मिलेगा, और थोड़ा काम भी आपको थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसके अंदर आपको ये आपके दोनों पे डिपेंड करता है, आपकी प्रेफरेंस पे और सेकंड आपके नंबर पे भी। क्योंकि एमटीएस के अंदर आपको नंबर के हिसाब से आपको स्टेट के अंदर जो भी आपको डिपार्टमेंट है वो आपको मिलेगा। तो ये था प्रेफरेंस के बारे में, तो आपको कैसे आपको स्टेट आपको पोस्टिंग मिलती है, कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो इसका ये सब प्रोबेबिलिटी रहती है, आपके कुछ चांसेस रहते हैं मिलने के, कुछ भी ऐसा श्योर नहीं होता, आपको कहीं भी मिल सकता है। वो सब डिपेंड करता है जो जैसे आपके नंबर है और जैसे आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।